मैं अपनी बात कर रही हूँ इधर, मैं काफ़ी छोटी थी, मतलब अगर देखा जाए 17 साल की थी मैं चाहे, उसमें मैं इतनी वैलिडेशन को क्रेव करने लग गई थी कि अगर कोई अच्छा नहीं बोल रहा है तो मेरे अंदर मसला है, जबकि आई नीड टू अंडरस्टैंड, लाइक उस पॉइंट पे तो मैं नहीं समझी, लेकिन मैंने फिर बाद में ये समझा कि नहीं, दे हैव देयर ओन इनसिक्योरिटीज़ एंड दे फील सो लो अबाउट देमसेल्व्स कि वो मुझे बुरा बोल के अपने आप को बेटर फील करा रहे हैं। यार ये तो खैर ये तो बहुत ही बेसिक कॉमन बात है, लेकिन मेरे साथ मसला ये होता था कि अगर कोई, मैं क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा मैच्योर था तो मुझे हेट कमेंट्स बुरे नहीं लगते थे। मुझे पता है कि ये लोग जो है ना, ये इनका शायद दिमाग ठीक नहीं है, या ये इतने डेस्परेट हैं, अजीब से हैं, इनके साथ कोई मसला है, दैट आई अंडरस्टूड। बट व्हेन यू सी एक इस टाइप के कमेंट होते हैं जो लोग देख के सोच समझ के दे अटैक वेयर दे नो इट विल हर्ट, यस वो जो कमेंट यस होते हैं वो आते हाँ हैं एंड उसमें मुझे और उलझन होती है। एक और चीज़ मुझे बहुत अजीब सी लगती है कि मैंने वीडियो डाली और कोई 15 सेकंड हुए होंगे या 20 सेकंड हुए, 30 सेकंड ले लो, उसमें पहला एक डिसलाइक आ जाता है एंड आई एम जस्ट लाइक, वो लोगों ने नोटिफिकेशंस ऑन किए हैं जस्ट टू हाँ डिसलाइक, इतना कहाँ से आता है हेट। तो उस चीज़ उन चीज़ों में मैं दूसरों की साइकोलॉजी समझने में भिड़ बैठ जाती हूँ कि वो वाई डू दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज सच लो पीपल कि वो आगे हमें हेट कर रहे हैं जस्ट टू मेक देमसेल्व्स फील बेटर। यार बस यही सारी बातें हैं जो हर दफ़ा किसी भी क्रिएटर से मैं मिलता हूँ, ये सारी बातें होती हैं। और अगर तुम इसको थोड़ा सा जूम आउट करके सोचो ना, तो व्हेन यू स्टार्टेड, व्हेन आई स्टार्टेड, व्हेन एनीबडी स्टार्ट्स यूट्यूब, वो कितने एक्साइटमेंट और ख़ुशी के साथ एंटर होते हैं कि आई एम यस गोना एक्सप्रेस माई कुछ सेल्फ। करूंगा हाँ मैं, हाँ मैं एक एस्केप है मेरी ये। हाँ एंड इवेंचुअली इट बिकम्स ये अजीब सा एक जेल के वो सज़ा बन जाती है कि बस अब फंस गए हैं और अब क्या करें। तो आई वॉन्ट टू स्केप दिस, आई एम स्टिल फिगरिंग आउट सोल्यूशंस।